आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की और सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार हमारे देश में जो माहौल है वो आध्यात्मिक होता चला जा रहा है, पर कुछ आध्यात्म यहाँ पर कुछ संदेश भी देता है। अब इस संदेश को अगर आप निजी रूप में देखें तो आध्यात्म है, पर अगर जिस पर सियासत होगी तो वो संदेश राजनीति प्रेरित हो जाता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम समय में एक बड़ा इतिहास बनाया। वो इतिहास यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विग्रह स्थान, जन्म स्थान कहा जाता है, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस स्थान पर पहुँचने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। यानी आज़ादी के इतने सालों बाद अब तक कोई भी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान नहीं पहुंचा था, पर जहां पर प्रधानमंत्री ने कल वहां पहुंचकर इतिहास बना दिया। और भी तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, पर इसके बावजूद जो कल वो वहां पहुंचे हैं उससे एक अलग संदेश भी गया है। संदेश निजी भी है और संदेश यहां पर राजनीति प्रेरित भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद ज्ञानवापी जिस तरह विवाद चल रहा है उसके बाद यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह कमेटी के बीच विवाद चल रहा था उसको लेकर, तो कहा जा रहा है इसको हवा भी मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में वहां पर गए। इसके पीछे कोई नीति है, रणनीति है, या महज एक आध्यात्म से जुड़ी एक घटना है कि वहां पर वो गए। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी भी जाते हैं, महाकाल भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, हिमालय की गुफाओं में भी हमने उनको आध्यात्म की जो एक रुचि है वो देखी है, पर यहाँ पर जिस तरह से वो अपने कार्यकाल के अंतिम समय में वहाँ गए हैं ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ना पहले कार्यकाल में गए ना दूसरे कार्यकाल के शुरुआती चरण में गए, पर यहाँ पर अगर अब गए हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी गरमानी शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा आम हो गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक इंटेंशन था, पर इंटेंशन यहाँ पर निजी भी हो सकता है। हिंदूवादी होने के नाते, हिंदू धर्म से होने के नाते वो किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का उनका पद अलग है, पर एक उसके पहले वो एक हिंदू है और हिंदू कहीं भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकता है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर न जाने क्यों इस पर चर्चाएं जरूरी होती है, और जब चर्चा होती है तो इतिहास की चर्चा होती है, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास बना दिया है। फिलहाल उनका उस जगह से बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज के पूज्य संतगण, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगी गण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान देखा है कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर संदेश दिया, पर किसकी भूमि से नरेंद्र मोदी का ये संदेश है, या एक आध्यात्म को लेकर उनकी रुचि है, या वास्तव में 24 चुनाव को लेकर एक नीति है, और बीजेपी जिस तरह से 14 में से एजेंडा लेकर चली आ रही है राम मंदिर को लेकर, और लगातार कहती भी आ रही है कि राम मंदिर आज बन रहा है उसके पीछे भी हमारी मेहनत है, एजेंडा है, और हालांकि ये भी सबको जानकारी है कि राम मंदिर निर्माण यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े आदेश के बाद बन रहा है, दशकों का आदेश, शताब्दी का आदेश, बड़ा आदेश।
महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर प्रवक्ता सपा रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे और मलिक जाबिर अंसारी कांग्रेस से अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रवक्ता भाजपा से विवेक भाई, ये रुचि है, नीति है, रणनीति है या 24 चुनाव की जरूरत है? क्योंकि अचानक से श्री की जन्मभूमि जन्मस्थान पर जाना, इतिहास बनाना, अब तक कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था और पहले कार्यकाल को छोड़कर दूसरे कार्यकाल के अंतिम समय में, ये आप ही बेहतर बता पाओगे है क्या? हमें तो इतिहास दिख रहा है जी। गौरव जी, ये रुचि भी है जी, नीति भी है जी। हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अच्छा, हमारे इस नारे पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने पहले ही बोल दिया कि आप क्या चाहते हैं, मैं समझ गया। आध्यात्मिक किनारे हम समझने समझाने के लिए कोई बात नहीं करते जी, हमारा एजेंडा क्लियर है, कोई ढकी छिपी बात नहीं है। तो हम मान के चले 24 के एजेंडे में शामिल करेंगे श्री जन्मभूमि को, श्री की जन्मभूमि आपके 24 के एजेंडे में शामिल होगी क्या मैनिफेस्टो में जी? श्री कृष्ण जन्मभूमि करोड़ों हिंदुओं के एजेंडे में हमेशा से शामिल है, हमारे करने न करने का विषय नहीं है। किसी भी सनातनी हिंदू से बात करेंगे वो यही चाहता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। अच्छा, वहां जो गुलामी की जो दास्ता की प्रतीक दिखते हैं उन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए जी। हमें इस पे कहीं भी कोई लेश मात्र संदेह नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी वहां चौथी बार गए थे जी, जन्मभूमि में उनकी जो यात्रा थी जी, ये पहली बार थी, मथुरा वो चार बार जा चुके, दौरे के लिए गए, चुनावी दौरे के लिए गए जी। दौरा चुनावी हो ना हो ये विषय नहीं है। अच्छा, उनकी आस्था है। अच्छा, मथुरा गए, श्री कृष्ण के धाम में उन्होंने हाजिरी लगाई, जिस तरह से काशी के कॉरिडोर निर्माण करके काशी का काया पलट हुआ है। अच्छा, वहां का मुकदमा निस्तारण की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, उसी तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मुकदमा निस्तारण की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, और ये सारे स्थल चीख चीख के चिल्लाते के कहते हैं कि यहाँ पे हिंदुओं का धर्म स्थान था जिससे गिरा करके गुलामी के प्रतीक यहाँ निर्मित किए गए। अच्छा, और आज भी वो हिंदुओं के आत्मा को उदृश्य कचोटता है। अच्छा, और हम ये कोई आज से नहीं कहते आ रहे हैं, हमने जब राम जन्मभूमि में रथ यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, तब से कहते आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी। ठीक है बे भाई, वो लड़ाई श्री राम जन्मभूमि की चली, हो गया। मैं सवाल काशी की, मेरे सवाल ले लीजिए आप। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि ये चुनावी दौरा नहीं है, ये आध्यात्मिक दौरा है जी। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जी। तो आप यहाँ पर दो बातें बोल रहे हैं, अब मैं कौन सी बात पे यकीन करूँ आपकी? पहली बात पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्मिक रुचि रहती है तो ये आध्यात्मिक दौरा है, या दूसरी बात पर जिस पर आप बोल रहे हैं कि अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? तो मुझे आप बेहतर बता दीजिए कि आप कौन सी बात यहाँ पर आपकी मैं मान लूँ, क्योंकि उसी बात पर यहाँ मलिक जाबिर अंसारी और रविंद्र भाई भी जवाब देंगे, क्योंकि अभी वो भी कन्फ्यूज है, मैं भी कन्फ्यूज हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं जी। देखिए, आध्यात्मिक रुचि तो प्रधानमंत्री जी की है, जहाँ जाते हैं वो मंदिरों में अध्यात्म के स्थलों पे जाने में उनकी रुचि रहती है जी। तो ये उनकी व्यक्तिगत रुचि का विषय हो गए, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, हम उनके वहां जाने से अद्भुत हैं, अपने प्रधानमंत्री पे हमें गर्व है। अच्छा, अब रही बात कभी तो पहली झांकी काशी मथुरा बाकी, हम ये नारा आज से नहीं लगा रहे, जब हम पे लोग हंसते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे कहके, तो तब भी हम ये नारे लगाते थे। और हम लगाते लगाते रामलला का मंदिर भी बनना शुरू हो गया, बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। इसको देख के विरोधियों की छाती पे सांप भी लौटते हैं। अच्छा, तो लौटते रहे।
हमारे एजेंडे क्लियर है, हम सनातन धर्म के सारे प्रतीकों के सारे धर्मस्थलों का पुनरुद्धार करने के लिए दृढ़ संकल्पित इसी एजेंडे के साथ। ये मंदिर आपने बनवाया क्या? भाई ये मंदिर आपने बनवाया क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। तो जी बहुत बार मैं बातें आपको समझा चुका हूँ जी, ये बहुत समझा लीजिए और आप बार बार वही बातें सुनना चाहते हैं, सुना लीजिए। जब तक अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही जी, सुप्रीम कोर्ट में एक भी पेज का अनुवाद दाखिल नहीं किया गया। अच्छा, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी हमने पूरे वाद का अनुवाद दाखिल किया। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत शानदार बात कही। जी ने डे बाय डे हेयरिंग के लिए रास्ता सब बनाया। बहुत अच्छी बात कही, इसके पहले भी सरकार रही है। अरे भाई सुन लीजिए, कल्याण सिंह सरकार भी रही है भाई, राजनाथ सरकार भी रही है, तब अनुवाद दाखिल कर देते, किसने रोका था क्या आपको? आप फिर तो आप विषय को समझ के तर्क नहीं करते भाई, यहाँ पर आप सीधा बोल रहे हैं अखिलेश सरकार में अनुवाद दाखिल नहीं किया गया, तो आपके दो बार पहले भी सरकार रही है। आप मेरी बात सुनेंगे, सुनाइए। उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला आने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जी, तो वहाँ पे पूरे दस्तावेज का एक अनुवाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दाखिल नहीं किया। अच्छा, वो समय अखिलेश यादव जी के समय का था। अच्छा, उसके पहले उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया था। अच्छा, आप इसको दस्तावेजी सबूतों में तहकीकात कर सकते हैं। अच्छा, मैं कोई ऐसी बातें नहीं कह रहा जो हवा हवाई हो। अच्छा, कल्याण सिंह जी के समय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला नहीं आया था। नारे उसी में लगते हैं बेबे भाई, जो आप नारे की बात कर रहे हैं, रामलला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, मेरे ख्याल से कल्याण सिंह के समय की बात है। आपको याद होगा मेरे ख्याल से ये नारा उसी में लगाने वाला था। मैं बहुत छोटा था, मैंने नारा सुना था। ये नारा तब लगा था जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए। अच्छा, उसमें ये नारा लगा था। अच्छा, और उस नारे को तब से हम लगाते रहे। अच्छा, लोग हमारा मजाक उड़ाते रहे। अच्छा, ठीक है, ये लोग जोड़ देते थे कि तारीख नहीं बता रही है। मैं समझ गया, चले ठीक है। और तारीख बताते बताते आज तारीख निर्माण की भी हो गई और प्रतिष्ठा की भी तारीख आ गई। मैं से जो दौरे का अर्थ समझ गया, चले ठीक है। रविन भाई को लेता, रविन भाई आपको मेरी आवाज आ रही होगी। रविन भाई, यहाँ पर प्रवक्ता भाजपा ने कह दिया है और ये भी कह दिया है कि ये आध्यात्मिक दौरा, और ये भी बोल दिया है कि अभी तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, दोनों बार बोल दिए हैं। जवाब आपको जी। देखिए, धार्मिक स्थान पर कोई कहीं भी जा सकता है जी, बिल्कुल। किसी भी धार्मिक स्थान पे किसी के जाने से इतिहास नहीं बनता जी। ज्यादातर ये होता है कि लोग पहली बार ही जाते हैं, जैसे हमारा चारों धाम है तो पहली बार गए जी। दो प्रश्न उठते हैं मोदी जी के मथुरा जी जाने पे जी। मथुरा जी जब वो गए, एक प्रश्न उठता है कि वो सब जगह जाते हैं धार्मिक स्थानों पे जी। महाकाल का भी जिक्र करते हैं, जहाँ पर हमारे धर्माचार्यों की मूर्तियां, हमारे प्रतीकों की मूर्तियां टूट टूट गई, भ्रष्टाचार उनके भ्रष्टाचार हाँ वो गिर गई है, मुझे पता है जानकारी है। केदारनाथ जी जाते हैं जी, बद्रीनाथ जी क्यों नहीं जाते हैं? गुजरात में रहते हैं जी, द्वारिका पीठ क्यों नहीं जाते हैं? लीजिए, श्रृंगेरी मठ क्यों नहीं जाते हैं जी? गोवर्धन मठ क्यों नहीं जाते हैं जी? जी ये प्रश्न है उनके ऊपर में जी। अगर इतने बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति है, हिंदुओं के पुजारी है जी, तो जो हिंदुओं के आस्था के चार केंद्र है उस पर क्यों नहीं जाते हैं, या उनके उनके जो पीठाधीश्वर है उनसे क्यों नहीं मिलते जी? और अगर वो हिंदूवादी होते हो और हिंदू तौर तरीके जी चरित्र को समझते है, तो एक धर्माचार्य को अपने पीछे नहीं चलाते। क्या बात, योगी आदित्यनाथ जी धर्माचार्य हैं, उनके पीछे आधा हाथ बांध के चलते हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं जी। तो मोदी जी को धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है लीजिए किसी प्रकार से जी। दूसरी बात है, मथुरा जी में बोले बहुत देर तक, जो उनके नाटक का अंदाज है उसी अंदाज में बोले जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही जी, ना केंद्र सरकार की एक भी उपलब्धि गिना पाए जी, ना राज्य सरकार की एक भी उपलब्धि गिना पाए जी। तो अगर इतने महत्वपूर्ण स्थान पे गए थे तो उनको गिनाना चाहिए था जी। अब एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है जी, वो तो एक बार आ गए कई 100 करोड़ रुपया खर्च करके जी, लेकिन वहां पर अनेक अनेक नेता, अनेक अनेक धर्माचार्य जी हड़ताल जाते हैं जी।
उनको पुण्य उनसे ज्यादा मिलेगा या नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा? बिल्कुल। तो जो वहाँ रेगुलर जाता है, हम लोगों ने अपने शासन काल के दौरान मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को सर्वाधिक धन दिया था जी। ये बताएं कितना धन दिया उन्होंने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को जी। और जो सबसे शर्म की बात है जी, कि नरेंद्र मोदी जी खुलेआम भारतीय संस्थाओं का, भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए हमेशा अपने चुनाव में धर्म को घसीट के लाते हैं। अच्छा। जबकि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है ये। ठीक। इस धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं किया जा सकता है। अच्छा। तो उन्होंने वहां जाके धर्म को राजनीति में लाने का काम किया है, जो गैर संवैधानिक कृत्य है। ठीक है रवीन भाई, मेरे दो सवाल, मेरे दोस्तों आपका समय नहीं अभी, मैं रवीन भाई को सवाल लूंगा, फिर मैं प्रवक्ता कांग्रेस की बात लूंगा। रवीन भाई बहुत अच्छी बात कही कि धर्म को नहीं लाना चाहिए। अगर धर्म को नहीं लाना चाहिए तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं, उस बयान का मंत्री आवास में जब, अरे सुनिए विवेक भाई, आप एंकर नहीं है, एंकर की भूमिका मेरे पास ही रहने दीजिए प्लीज, है ना। मेरे सवाल है, फिर मैं आपको दोबारा आऊंगा, आपको जवाब सभी लूंगा। तो रवीन भाई यहाँ पर आपने कहा धर्म बीच में, बिल्कुल सही बात है, धर्म राजनीति के लिए नहीं बनाया, धर्म आस्था विश्वास के लिए, ठीक है। पर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य समय समय बयान देते रहते हैं, कभी लक्ष्मी जी को लेकर, कभी रामचरण मानस को लेकर, चलिए ठीक है। इसके अलावा जब आपकी सरकार होती तो आप रोजा अवतार भी कराते हैं, खुल के कराते हैं, नवरात्रि पारायण तो आप नहीं कराते पर रोजा अवतार जरूर कराते हैं, मैंने देखा है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। तो अगर धर्म ये नहीं है तो वो धर्म क्या है जी? पहली बात तो जो आपने कही कि नवरात्रि नहीं कराते हैं, मैं आपके पास दो बार फोटो भेज चुका हूँ नवरात्रि का पारण करने का। रवीन भाई सत्ता जाने के बाद, सत्ता से जाने के बाद प्लीज, सत्ता में रहने की फोटो भेज दीजिए, मैं देखूंगा बिल्कुल जी। मैं भेज दूंगा। पहला जो फोटो था वो सत्ता में रहने के दौरान था, डिंपल जी का, पहला विषय। ठीक है। दूसरा विषय है हमारा जो धर्म कहता है जी, सॉरी हमारा जो संविधान कहता है और हमारा धर्म भी कहता है जी, कि हम सारे धर्मों का सम्मान करेंगे जी। संविधान तो अब बना है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें, उससे पहले जब संविधान नहीं था तब भी हम सारे धर्म का सम्मान करते थे, और करीब करीब दुनिया में जितने धर्म है सब भारत में उपस्थित हैं। आपके आपके नेता खुलेआम हिंदू धर्म की यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उनको कोई नहीं रोकते भाई, सम्मान करते हैं। ये तो इसमें तो रोका जाना चाहिए आदित्यनाथ जी को, दिनेश शर्मा जी को, संजय निषाद को, मोहन भागवत को, हिंदू धर्म का लगातार अपमान करते हैं, अच्छा उनको रोका जाना चाहिए, और चुनाव में जाके करते हैं। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, मैं उनके साथ में नहीं हूँ, लेकिन किसी चुनाव के मंच पे नहीं कहा उन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी तो चुनाव के मंच पे कहते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है रवीन भाई। अब मैं मलिक जाबिर अंसारी को लेता हूँ। मलिक भाई सब सुना आपने, और जब बीबी भाई बोल रहे थे बहुत मुस्कुरा रहे थे, ऐसा क्या बोल रहे भाई ने, भी कोई कहानी सुना नहीं रहे थे जी? गए ना नीति की वजह से, गए ना रणनीति की वजह से, गए वो गए थे डर की वजह से। डर क्या है? पांच राज्यों का चुनाव उन्हें पता लग गया, वो हार रहे हैं। अच्छा। तो भगवान की शरण में गए हैं वो। हाँ। प्रार्थना करने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इनके पास अध्यात्म होता और ये धर्म को मानते तो ये मणिपुर जरूर जाते, क्योंकि वहां 200 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को जलाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री ब्रह्म सिंह का बयान है। 200 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को जलाया गया, उसमें मंदिर भी है, चर्च भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। तो अगर अज्ञात होता तो वहां जाते। और प्रधानमंत्री, आपने कहा कि पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जो कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर गए, प्रधानमंत्री को तो कायदे में कश्मीर का इन्होंने मुद्दा उठाया था कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। इसी साल की रिपोर्ट आई है, 28 जवान हमारे कश्मीर में शहीद हुए, उनके घर जाते जाते तो विश्व गुरु बनाने की ये बात करते हैं बार बार, और 12 दिन से हमारे 41 जो वर्कर है वो वहां टनल में फंसे हुए हैं, तो आप 12 दिन में निकाल नहीं पा रहे हो, तो वहां जाना चाहिए था। अगर जाना चाहिए था मोदी जी को तो वहां जाना चाहिए था, जहां पे बेरोजगार, पूरे देश को बेरोजगार बना दिया, युवाओं से संवाद करना चाहिए था। तो ये सब आडंबर है, इनके नौटंकी है, ढोंग है, पाखंड है, और कुछ नहीं है। अच्छा। और योगी जी भी गए, योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को हत्या में नंबर वन बना रखा है, 3717 मर्डर हुए, 2021-22 की रिपोर्ट एनसीआरबी की उठा लीजिए, 22 की रिपोर्ट इन्होंने दबा रखी है, तो और पता लग जाएगा और कितना अपराध बढ़ा उत्तर प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री जी मंदिर मंदिर जाएंगे, और वो इसलिए जाएंगे क्योंकि इनका डर बढ़ता जा रहा है। डर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बेबी भाई
ना नीति ना रणनीति ना अध्यात्म, डर है बोल, डर के कारण गए हैं प्रवक्ता कांग्रेस का बड़ा बयान, डर बोल दिया उन्होंने सीधा आपको, डरते हैं आप। देखिए देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता का विचलित होकर के तरह के बयान देना लाजिमी है। अरे बहुत कम बोले, अच्छा बोले भाई, बोल रहा है कि डर है आपको। सुन ले, सुन ले। जो लोग मोहब्बत की दुकान लेके निकले थे वो नफरत के सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं। अच्छा हम जानते हैं मोदी जी, हम इनसे इसी तरह के पेशा रखते हैं जी। और जो भारतीय जनता पार्टी को करना है, जिस एजेंडे के साथ हमें जनता ने यहाँ भेजा है जी, हम उस पे काम कर रहे हैं। तो एजेंडा मानते हैं इसको? हाँ। भाई एजेंडा है आपका भी, स्वीकार कर रहे हैं? हमने आपसे पहली लाइन में कहा कि ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं के एजेंडे में शामिल है। करोड़ों हिंदू, बीजेपी बताइए, करोड़ों हिंदू की बात मत करिए, बीजेपी की बात बताइए। बीजेपी हिंदुओं से अलग है क्या? ये ठेकेदारी है, बीजेपी हिंदुओं से अलग है क्या? ठेकेदार है धर्म के। बीजेपी तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है, तो आप तो हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं भाई? भाई जी, सबका साथ सबका विकास तुष्टिकरण हम किसी का नहीं करते जी। हम इनके तुष्टिकरण जो करा आपने, वहां गुलामी करा थोड़ी स्वीकार कर लेंगे जी। हम तुष्टिकरण किसी का नहीं करते, ठीक है? हम टोपी पहन करके तो आप स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि आपके एजेंडे में शामिल हो चुका है 24 के लिए? मैंने आपसे पहले कहा जी कि सारे करोड़ों हिंदुओं, सनातनी हिंदुओं के एजेंडे में श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी विषय शामिल है। शामिल, अच्छा। इसको अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? मैं समझ गया आपकी बात को, शामिल है, समझ गया मैं आपकी बात को। पर प्रवक्ता कांग्रेस कुछ बोल रहा है आपके लिए, बोले मेरे भाई क्या बोल रहे थे आप जी? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा तुष्टिकरण नहीं करती भाजपा, तो अडानी और जैसा का तुष्टिकरण क्यों कर दिया? और सनातन धर्म तो पूरे इंडिया का है, पूरे विश्व का है, तो मणिपुर में आपका सनातन धर्म कहाँ चला जाता है? जहाँ पे वहां पे मंदिरों को जलाया गया, वहां पे नहीं गए मोदी जी? वहां पे भी जाना चाहिए था, वहां पे कहाँ सो जाता है सनातन धर्म आपका? बेबे भाई जवाब दे रही है, वहां सो जाते हैं क्या? देखिए जहां भी जो लोग सनातन पे हमला करेंगे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमला नहीं कर रहे, हमला तो आप वहां शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। लाइन ऑर्डर का सब्जेक्ट स्टेट का होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सनातन पे हमला करोगे जवाब देंगे। अच्छा, वहां पे करोगे वहां का मुख्यमंत्री जवाब देगा। अच्छा, अब ये राजस्थान तो है नहीं कि आप कन्हैया लाल की हत्या कर दोगे, प्रशासन चुप हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस चार घंटे में अरेस्ट किया था। चार घंटे में अरेस्ट कीजिए, चार घंटे अरेस्ट किया है, मलिक जाबिर बोले हैं चार घंटे अरेस्ट किया था, चार घंटे में अरेस्ट किया था, चार घंटे के अंदर है वो। हम बलात्कारियों का पैरवी नहीं करते, आप तो बलात्कारियों को बचाते हो, पैरोल दे रहे हो राम रहीम को। पैरोल दे रहे हो, बोले राम रहीम को पैरोल क्यों दे रहे भाई? सही बात तो है, क्या कह रहे हैं? बोले राम रहीम को क्यों पैरोल दे रहे हैं भाई आप? जब आरोप राम रहीम के पेरोल अदालत देती, पेरोल हम देते हैं हैं, पेरोल अदालत देती है। गौरव जी क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं प्रवक्ता कांग्रेस बोल रहे हैं, अदालत थोड़ी देती है, सरकार उनका जो ज्ञान होता है बताएंगे वो। अच्छा, पेरोल देना अदालत काम है, सरकार थोड़ी पेरोल देती है। अच्छा, जब सजा हो गई उसके बाद पेरोल, सजा माफी, सजा माफी का विषय तो चलिए गवर्नर का होता है जी, पेरोल बिना अदालत कैसे मिल सकता है? अच्छा, और गवर्नर को अपने घर में सुप्रीम कोर्ट में शामिल होना है जी, तो वो भी अनुमति अदालत से बिना नहीं मिल सकती। मलिक जाबिर यहाँ पर अदालत अनुमति देती है भाई, आप क्यों इन पे आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी देती है मलिक भाई? अरे बीजेपी देती है, इनकी सरकार देती है, रिमिशन इन्होंने करा, बिल्किस बानो में रिमिशन कोर्ट ने करा लीजिए, पर वो लाभ तो आपके रिकमेंडेशन होती है, तभी तो होता है जी। पब्लिक मलिक भाई दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरे भाई सुन नहीं पाए, दोबारा बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सरकारी तो रिकमेंड करती है पैरोल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो होगा हाई कोर्ट में, वही तो पैरवी करता है, वो कहता है भैया इनको दे दो, बहुत अच्छे आदमी है, हमारा प्रचार प्रसार कर देंगे चुनाव में, वोट के लिए हमारा काम करेंगे, उसको बाहर निकाल लो। बोले पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों करता है भाई, सरकारी वकील तो यहाँ पर करता है, इसलिए करता है, इनको लाभ होता है। 184 दिन पैरोल पे रहा है वो, दो साल जेल में रहा है और 184 दिन वो पैरोल पे रहा है। बड़ी जानकारी दे रही है, सबको पैरोल दो, फिर सबको पैरोल को नहीं मिलनी, सबको पैरोल दो। बिल्कुल सही बात है। हाँ।
गौरव जी जी पेरोल देना अदालत का काम है। अरे जो वहाँ विरोध करना वहाँ पर सरकारी वकील काम है भैया, सरकार क्या कर रही है? आप ऑब्जेक्शन डालो, आप खुशी हो रही है पेरोल देने में? अरे आप गौरव जी सरकार उस दिशा में विरोध करती जब व्यक्ति की पेरोल से कोई सार्वजनिक अहित हो रहा हो। अच्छा, अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं तो सरकार उसमें यहाँ मलिक जाबिर बंसारी बोल रहे हैं 284 दिन पेरोल तो बाहर ही निकाल दीजिए। अरे बाहर ही निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत पर होगी? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। गौरव जी इतने बड़े बड़े अपराध किए, तमाम जानकारी है, आरोप से दो चुके हैं, तो बाहर निकाल लीजिए, क्यों पेरोल का बहाना कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए गौरव जी, हम रिमिशन करने के लिए बैठे नहीं है जी। अगर उस पर इन्हें करना तो उस पर भी कर ले दस्तावेजों के साथ। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अदालतों ने पेरोल दिया है, लीजिए। संजय दत्त को पेरोल भी ली है, लीजिए। बहुत लोग तो गवर्नर को तमिलनाडु का गवर्नर हो जाए, मोटे बैट लगाए के बीजेपी का एजेंट बन के बैठा है और 3 साल से 10 बिल इसके पास थे, आपके गवर्नर तो एजेंट है भाजपा के। मैंने भाई जवाब ले लीजिए, फिर मैं रमन भाई को लेता हूँ, जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है। गौरव जी ये पेरोल देना अदालत का काम होता है जी, अदालत में सरकार विरोध तब करती जब उसके बाहर आने से कोई सार्वजनिक हित हो रहा हो, लाइन ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो रही हो। अच्छा, अगर ऐसा कोई विषय नहीं है तो अनावश्यक किसी के पेरोल में सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगी? अच्छा चलिए ठीक है, तो आपके कहने में सरकार चले, चले ठीक है, चले अच्छी बात है, सरकार किसी के सरकार यहाँ पर व्यवस्थाओं पर चलती है। ठीक है रविंद्र प्रताप सिंह, रविंद्र भाई आपने पूरी बात सुनी और समय भी हो रहा है डिबेट को अंत करने का, क्या कहेंगे आप? विवेक जी नहीं बता पाए, हाँ। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को इनके सरकार ने कितना पैसा दिया बता दीजिए। ये भी नहीं बता पाए कि चारों धाम मोदी जी क्यों नहीं जाते हैं, और हिंदू धर्मों के में सबसे बड़े संप्रदाय नाथ पंथ के पीठाधीश्वर को अपने पीछे क्यों लेके चलते हैं, उनके पीठ पे हाथ धर रख के क्यों चलते हैं, नहीं बता पाए। पेरोल की बात आई, पेरोल का ये अदालत पे टाल के हट गए जी। जानकारी नहीं हो तो नहीं देनी चाहिए। पेरोल का जो एप्लीकेशन जाती है डीएम के द्वारा जाती है, उस पे अदालत सुनवाई करती है, सैंक्शन तो अदालत करती है मान्यवर, अदालत के बिना अनुमति की पेरोल थोड़ी मिलती है। ज्यादा जानकारी आपको रहती है हमेशा डीएम के द्वारा जाती है, डीएम स्थानीय शासन के अंतर्गत के द्वारा जाती हो, देती तो अदालत है ना, शासन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब बार बार इन्होंने एक व्यक्ति को डीएम को बाध्य किया कि उसके पेरोल के रिकमेंडेशन करावे अदालत से जाके। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई इनको कोई समस्या नहीं है, इनको जब इनके वहाँ दुराचारी लोग रह सकते हैं और जो भ्रष्टाचारी लोग चले आते हैं तो इनके यहाँ पवित्र हो जाते हैं जी। दुराचारी जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, तो ऐसी समस्या कहाँ है? चले बात यह है कि चुनाव के समय जी देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे और 2024 का चुनाव आने वाला है जी। तो मोदी जी धीरे धीरे करके अपनी उपलब्धियां जो झूठ बोलते थे वो भी नहीं गिना पा रहे हैं। अच्छा, झूठ बोलने वाली उपलब्धियों को भी कम से कम गिनाना तो शुरू कर दें जी, क्योंकि उसकी बखिया उधेड़ी जा चुकी है जी। तो वो क्या कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, और जाके संबंध बता रहे हैं। संबंध किसका बता रहे हैं? मथुरा जी का संबंध द्वारका जी से बता रहे हैं। द्वारका पीठ में नहीं जाते हैं जी, वही अहमदाबाद में एक मंदिर है स्वामीनारायण जी का जी, वहां पर प्रभु बजरंग बली को स्वामी नारायण छपिया में एक महंत जी है, उनके दास के रूप में दिखाया गया है। तब क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया नरेंद्र मोदी जी ने जी? क्यों? क्योंकि वो जो मंदिर है नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में चलता है जी। तो अगर इस प्रकार का काम वो निरंतर कर रहे हैं तो हिंदू आस्थाओं पे प्रहार कर रहे हैं और ये अपने को साबित कर रहे हैं कि पूरी तरीके से वो जन कल्याणकारी मुद्दे पे फेल है। ठीक है बे भाई, मेरा सवाल आपसे और भी है क्योंकि यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस से आपने कहा था कि मोहब्बत की दुकान फेल हो गई, इनकी मोहब्बत की दुकान हिमाचल ले गई, कर्नाटक ले गई, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनकी मोहब्बत की दुकान को आप समझिए, नफरत की दुकान है, और अगर यहाँ पर नफरत की दुकान ये चलाते रहेंगे, अगर नफरत की दुकान इनके दोनों राज्य आपके हाथ से निकाल के ले जा रही है तो मेरे ख्याल से आपको इनकी नफरत की दुकान को ज़्यादा संजीदा रूप से लेना पड़ेगा, समय आ गया है, गंभीरता से नहीं लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। 5 राज्यों के परिणाम भी दिसंबर में आने वाले हैं जी। देखिए गौरव जी, हिमाचल और कर्नाटक में ट्रेंड रहा एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस जी, और हिमाचल में हम बहुत मामूली अंतरों से इनसे सीट के अंतर से आ रहे हैं जी, वोट इनसे हम खराब नहीं पाए जी। उसी दौरान इनको गुजरात का रिकॉर्ड याद नहीं रहता जी, उत्तर प्रदेश में हमारी ऐतिहासिक जीत इन्हें याद नहीं रहती जी,
तो ये राजनीति है, इसमें हार जीत चलती रहती है। चले, मोहब्बत की दुकान जिस तरह से नफरत के सामान इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक, जैसे मसूद जैसे लोग इनकी दुकान पे खड़े हैं जी, और जो हमारे रवीन जी जितना ज्ञान परोस रहे थे। हाँ। देखिए कोई रिकमेंड करे, पेरोल का फैसला अदालत ही देती है जी। जो मैंने एक लाइन में कह दिया उसी को ये बार बार घुमा फिरा के बता रहे हैं। अदालत के विवेक पे, अदालत के विवेक पे पश्चि लगाने वाले हम नहीं। विवेक भाई, विवेक भाई पर एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे, जो पेरोल की आप बात कर रहे हैं, हालांकि चर्चा का विषय नहीं था, मैं एडवोकेट तो नहीं हूँ, पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर अदालत में आपका वकील जो सरकारी वकील होता है, अगर वो यहाँ पर विरोध करेगा तो पेरोल कैंसिल हो सकती है, और निश्चित रूप से दो साल में 184 दिन की पेरोल अपने बड़ा प्रश्न हो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करिए, समझा दीजिए। हाँ, कोई विरोध के बावजूद भी अदालत को बाध्य नहीं कर सकता कि अदालत इसमें क्या फैसला करे। बिल्कुल बात नहीं कर सकता भाई, ऐसा मत कहिए। अदालत की सरकारी वकील साथ रखेगा, चीजें रखेगा, ये कौन से नियम सम्मत है? दो साल में 84 दिन की पेरोल मिलती है, ये कहाँ से सर सम्मत है भाई? कोई बहुत साधन, कोई 151 के आरोपी है क्या वो शांति भंग के? जो आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम रहीम, बाबा राम रहीम बहुत साधारण आरोपों में अंदर गए हैं। अरे हम कहते हैं चाहे जिस आरोप में गए हों, विषय ये है कि अदालत तो उनको पेरोल दे रही है जी। अदालत में विवेक पे पश्चिम लगाना, आप विरोध नहीं कर पा रहे तभी तो मिल रही है। ये तो हम तो विरोध करें, तो कुछ करते ही नहीं है इतने शरीफ लोग। लीजिए, उन्होंने कह दिया हम क्यों विरोध करें। चले ठीक है, हो गया, क्यों विरोध करें? चले ठीक है, मत दीजिए। चले अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो हम विरोध करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। चले ठीक है, बनाए रखिए। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, पर यहाँ चर्चा कई जगह आकर पेरोल पे लटकी है, और यहाँ पर बाबा राम रहीम की लेकर बात भी होने लगी है। खैर, यहाँ पर 24 चुनाव आने वाला है, और यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री आदर्श में रुचि रखते हैं, और समय समय पर वो तमाम आध्यात्मिक स्थलों का दौरा करते रहते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना करते रहते हैं। इस बात से कोई गुरेज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हिंदू है और कहीं भी हिंदू धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, जैसा प्रवक्ता सभा ने भी कहा। बस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुओं की जो आस्था होती है वो सब जगह होती है। वो आस्था मथुरा में स्थित यमुना नदी को लेकर भी है, जिसको हम माँ यमुना के नाम से बोलते हैं। यमुना नदी बोलते हैं नहीं, बल्कि बोलते हैं माँ यमुना। तो अगर वास्तव में आस्था है तो उनको स्वच्छ कराने को लेकर भी कुछ आस्था होना चाहिए। ये मेरी निजी राय है, और इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर वहाँ पर कोई भी बड़ा व्यक्ति जा रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो वास्तव में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं बड़े, तो उनको यमुना को भी बेहतर करने की कवायद शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह का वहाँ का पानी है, कई बार देखा गया कि आचमन योग्य भी नहीं हो पाता है। कोरोना समय में ज़रूर वहाँ पर पानी कुछ स्वच्छ हुआ था, पर उसके बावजूद अब भी पानी गंदा है, वो गंदा जिसको हम आचमन के योग्य भी नहीं मानते। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बात बड़ी होनी चाहिए, पर यहाँ पर बात यह भी होनी चाहिए कि राजनीति को धर्म से अलग रखें, और धर्म केवल आस्था विश्वास भक्ति के लिए बना है, वो राजनीति के लिए नहीं बना है। पर क्या करें, 24 चुनाव है, इस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह की चर्चा, इस तरह की नीति चलती रहेगी। और जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि हमारे और हिंदुओं के एजेंडे में शामिल है, अब क्या शामिल है, क्या होगा, और 24 चुनाव में क्या एजेंडा होने वाला है, वो आने वाला समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि 24 चुनाव हमेशा की तरह लोकसभा चुनाव हम देखते आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर लड़ा जाता है, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।